तो क्या हाल है दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो भाई आज अपने पास गाड़ी है हुंडई वेन्यू 1.0 टर्बो, और ये वही गाड़ी है भाई जिसमें 1,00,000 रुपए की सीएनजी किट लगी हुई है। हाँ भाई बिल्कुल 1,00,000 रुपए की सीएनजी किट है इसके अंदर, और आप यकीन नहीं आ रहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ अंदर का इंटीरियर है सारा गाड़ी का, और यहाँ पर कुछ इस तरफ आप नीचे जो फिटिंग कर रखी है वो सीएनजी का जो स्विच होता है उसकी फिटिंग कर रखी है। बाकी मैं आपको एक बार इसका हुड खोल के भी दिखाता हूँ, बोनेट खोल के, कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है सीएनजी लगने के बाद। और एक जो मेन फीचर होता है गाड़ी का पावर के लिए, भाई वो ही बंद कर दिया इस सीएनजी ने। एक बार मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। तो भाई ये कुछ इंजन है 1.0 टर्बो का, टर्बो तो नहीं 1.0 का भाई, क्योंकि टर्बो तो भाई सीएनजी खा गई इस गाड़ी का। और कुछ जो फीचर है वो देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या लगा हुआ है। एक सामने आप देखोगे तो जो सीएनजी का जो सीपीयू होता है, मेन जो किट होती है सीएनजी की, भाई वो इसमें लगी हुई है। और ये एक बारी मैं आपको इसकी कंपनी का नाम बताता हूँ, ये ई पावर कुछ करके है, ई पावर इसकी सीएनजी किट लगी हुई है इसके अंदर। पूरी यूनिट इसी कंपनी की लगी हुई है फुल। और लेकिन भाई इसने क्या करा कि इसमें जो टर्बो आता है सीएनजी पे, भाई वो टर्बो ही बंद हो जाता है, टर्बो यूज़ नहीं होता गाड़ी का। और उसका पिकअप बढ़ाने के लिए तो इन्होंने एडवांसर भी लगा रखा है। ये देखो ये जो डिवाइस दिख रही है ये एडवांसर होता है थोड़ा पिकअप बढ़ाने के लिए, पर भाई पिकअप विकअप कुछ नहीं, टर्बो ही बंद हो जाएगा तो यार पिकअप क्या काम करेगा। लेकिन सही बात ये है कि भाई जो पेट्रोल में टर्बो है वो अच्छे से काम करता है, पेट्रोल में दिक्कत नहीं आती। लेकिन भाई सीएनजी जब इतने पैसे इन्वेस्ट ही कर रहे हैं इसके अंदर तो तब भी टर्बो नहीं चल रहा तो यार कोई फ़ायदा है नहीं। अब एक बार ही बूट ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ऐसा कुछ इसमें भाई 12 kg का सिलेंडर आपको, पूरी पाइपिंग वगैरह। और एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि वेन्यू में 12 kg सिलेंडर लगने के बाद भी पीछे स्पेस बच जाता है काफ़ी, और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो थोड़ी सी ऊपर करके लगाइए ताकि जो आपका वो स्टेपनी होती है स्पेयर टायर उसको आप एक्सेस कर सको आराम से। और ऐसा भी नहीं है कि भाई 12 kg सिलेंडर डलने के बाद और फुल गैस के बाद कोई फ़र्क पड़ता हो गाड़ी की हाइट में, जैसे सस्पेंशन दबे दबे लगते हैं, ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है, सेम वैसी हाइट है, हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है। कि बात करें भाई कॉस्ट की कि क्या ये वर्थ है, तो भाई मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल वर्थ नहीं है। 1,00,000 रुपये किसी गाड़ी पे सीएनजी पे लगाना, और जिसमें गाड़ी का जो मेन फीचर होता है टर्बो, क्योंकि 1 लीटर का इंजन है यार, पहले ही पावर कम होती है, और टर्बो ये है जो थोड़ा साथ देता है वही बंद हो जाता है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। बाद में आपको पेट्रोल में ही चलानी पड़ती है तो उसमें कोई मज़ा नहीं। अगर आपने भी अपनी वेन्यू में सीएनजी लगवा रखी और भाई वो कामयाब है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, ताकि काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो सके। और ये भाई 200 तक निकाल देती है, 200 किलोमीटर तक एक सिलेंडर में। आप वाली कितना निकालता है भाई ये भी ज़रूर बताइए। बाकी आज की वीडियो में भाई इतना ही था, वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करिए, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, टिल देन मजे करो।